बिसमिल्ल रिरा अलगम स्टूडेंट्स दिस इज़ आतिफ़ अहमद योर फिज़िक्स टीचर बच्चों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टार्क ऑन अ करंट कैरिंग क्वाइल और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक एज अ लॉन्ग पेपर में आता है इसके अलावा यहाँ से एम बनते हैं शार्ट क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं तो बच्चों आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक एक पॉइंट डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करूं ठीक है और हर एंगल से इस टॉपिक को कवर करूं ताकि आपका एक मुकम्मल कंसेप्ट जो है वो बन सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जैसे हर हाँ टॉपिक से पहले हम कुछ बेसिक कन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं और उन्हीं की हेल्प से हम अपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं बिल्कुल इसी तरह से आज भी हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट को पहले रिवाइज़ करना है और उनकी हेल्प से हम अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और बच्चों इन टॉपिक को अगर आप रिवाइज नहीं करते तो कुछ कन्फ्यूजन जो है वो आपके माइंड में रह जाएंगी कैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ ये जब इसकी डेरिवेशन आप करते हैं मुख्तु बुक से तो आप देखते हैं कुछ बुक्स में इसका फाइनल रिजल्ट ये आता है टॉर्क इज इक्वल टू एन आई बी ए कॉज अल्फा और कुछ बुक्स में ये आ रहा होता है टॉर्क इज इक्वल टू एन आई बी ए साइंस तीटा तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ठीक है और पूछते हैं कि सर इनमें से कौन सी ठीक है बच्चों ये दोनों ही ठीक है टॉर्क को कैलकुलेट करने के दो अलग अलग मैथड्स हैं वो दो मैथड मैंने आपको यहाँ पर सिखाने हैं ठीक है अलग अलग मैथड से टार्क कैलकुलेट करके हमारे पास ये दोनों रिजल्ट आए हैं दोनों ही ठीक है आपको जो जन्फ्यूजन होती है ना ये अल्फ़ा और थीटा की वजह से होती है आपको समझ नहीं आ रहा होता कि अल्फ़ा क्या है और थीटा क्या है तो ये भी मैं आपको यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट के अंदर बताऊंगा कि अल्फ़ा और थीटा क्या है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे जी इसकी टॉर्क की टार्क के बारे में आप जानते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है यानी फोर्स का घुमाने का असर टार्क कहलाता है अगर हम इसकी रियल लाइफ से एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी आप स्पैनर से कोई नेट लूज या टाइट करते हैं ना ठीक है तो ये आपके पास एक एप्लीकेशन आ जाती है किसकी टॉर्क की ठीक है कैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ से आपने ऐसे फोर्स लगाई ठीक है और आपकी फोर्स से क्या हुआ स्पेनर ऐसे टर्न कर गया तो फोर्स का घुमाने का असर आया यहाँ पर तो इसको हम टॉर्क कहते हैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट आर्म इंटू फोर्स होता है अब मोमेंट आर्म को समझने से पहले आपको दो पॉइंट पता होने चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ठीक है क्सीज ऑफ रोटेशन क्या होता है बच्चों ये वो लाइन लाइन होती है जिस के पूरी बॉडी के सारे पार्टिकल जो है वो रोटेट कर रहे होते हैं ठीक है और लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग फोर्स एक्ट कर रही होती है तो मोमेंट आर्म असल में क्या है, ये जो है और लाइन ऑफ एक्शन इन दोनों के दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे यहां लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर तो यह आ जाएगा आपके पास मोमेंट आम ठीक हो गया अच्छा तो अब बात करते हैं जी हम इसके फार्मूले की ये एक वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्च इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है आर यहाँ पर मोमेंट आर्म को रिप्रेजेंट करता है एफ यहाँ पर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है जैसे आपने पढ़ा कि ए क्रॉस बी हमारे पास ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है बिल्कुल उसी तरह से आर क्रॉस एफ जो है वो हमारे पास आर एफ साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है ठीक है बच्चों अच्छा अब हम इसका फार्मूला सीख चुके हैं इसको हम इस्तेमाल भी करेंगे फिर हम बात करते हैं जी कपल की कपल क्या होता है मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा तो कपल जो है ना वो पेयर को कहते हैं किस चीज़ का पेयर पेयर ऑफ़ टॉर्क ठीक है दो टार का ये पेयर होता है ये ठीक है जो एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे होते हैं सही है अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम कपल को प्रोड्यूस करते हैं कपल इज फॉर्म बाय द टू अनलाइक पैरल फोर्सेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन कपल को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी बॉडी के ऊपर जो है वो दो अलग अलग पॉइंट पे फोर्स लगाओ आपकी दोनों फोर्सेस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होनी चाहिए तो वो क्या प्रोड्यूस कर देंगे कपल प्रोड्यूस कर करेंगे कैसे मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ मान लीजिए मान लीजिए भाई ये हमारे पास एक छोटी सी रॉड है जिसको वॉल के अंदर हमने एक नेल से फिक्स कर दिया ठीक है अब मैं एक इस पॉइंट पे अपवर्ड फोर्स लगाता हूँ और इस पॉइंट पे मैं डाउनवर्ड फोर्स लगाता हूँ दोनों फोर्सेस पैरेलल हैं ठीक है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये अनलाइक पैरेलल हो गई ठीक है तो अब ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस दो अलग अलग पॉइंट पे लगेंगे तो यहाँ से क्या होगा ये बॉडी ऐसे टर्न कर जाएगी ठीक है फोर्स लगाने से ये बॉडी घूमेगी इस तरह से ये भी बॉडी ऐसे घूमेगी यहाँ से ठीक है तो यहाँ पर इसने घुमा दिया तो घुमाने का असर आ गया तो हम टार की बात करेंगे तो यहाँ पर भी टार प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर भी टार प्रोड्यूस हुआ ये भी हमारे पास क्लॉकवाइज है ये भी क्लॉकवाइज है दोनों एडअप हो जाते हैं हमारे पास कपल मिल जाते हैं ठीक है तो हम यू इसको डिफाइन करते हैं कपल इज इक्वल टू टार्क वन प्लस टार टू ठीक है अब टार्क वन कैलकुलेट करना है तो टार क्या होता है फोर्स इंटू मूवमेंट आर्म होता है अब यहां पर मान लीजिए इस पूरे राड की जो लेंथ थी वो कितनी थी हमारे पास बी थी तो ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन जिसके गिर घूम रहा है और यहां से लेकर यहां तक ये लाइन ऑफ एक्शन एक्सेज ऑफ रोटेशन से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक फासला उसका हाफ यानी बी बाई टू होगा तो आपने यहां पर जो है वो इस फॉर्मूले के मुताबिक टार को कैलकुलेट करना है टार वन इज इक्व टू बी बाई टू एफ वन साइन ऑफ थीटा यहाँ पर भी कैलकुलेट करना है टा टू इज इक्वल टू बी बाई टू एफ टू साइन एफ थीटा ठीक है और जो टोटल आपके पास आ जाएगा वो आप किस तरह निकालेंगे टा या कपल किसके इक्वल है बी बाई टू एफ साइन थीटा प्लस बी बाई टू एफ साइन थीटा अब एफ वन एफ टू दोनों इक्वल अपोजिट होती है उसने बताया अनलाइक पैरेलल होती हैं और मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं ठीक है ठीके? सेम मैग्नीट्यूड वाली एफ वन एफ टू बराबर होती हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ से एफ साइन थीटा को आप ले लीजिए कॉमन और बी बाय टू और बी बाई टू मिलकर क्या बन जाता है हमारे पास बी बन जाता है चाहे टोएलशियम तो लेके चेक कर सकते हैं वैसे इस लेवल पे आपको ये चीज़ आनी चाहिए बी बाई टू प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू बी होता है ठीक है आ गया हमारे पास अब ये पहला तरीका है टार्ग कैलकुलेट करने का टार्ग इज इक्वल टू बी एफ साइन ऑफ थीटा ठीक है अच्छा अब ये तो मैंने आपको एक राड कह के आपको ये चीज़ समझा दी बट असल में हमने जो यहाँ बात करनी है ना वो किसकी बात करनी है करंट कैरिंग कॉयल की बात करनी है ठीक है थीके? तो कॉयल के ऊपर हमने ट्राल प्रोड्यूस करना है तो ये जो है ना ये हमारे पास ये मान लीजिए कि ये जो कॉयल है दो तरह से दो रुख होते हैं एक आपका ये फेस हो सकता है उसका यानी ये हमने एक रेक्टेंगुलर कॉयल ली है एक आपका ये फेस है जो आप देख रहे हो और एक ये फेस है जो आप यहाँ से देख रहे हो आपको सिर्फ इतनी इतनी चीज़ नज़र आ रही है ये वाली ठीक है तो मान लीजिए ये हमने ऐसे ये क्वाइल ही रखी हुई है और उसका ये वाला फेस जो है आपके सामने है सही है अब ये जो फार्मूला है ना यहाँ पर ये जो B है ना B ठीक है ये B क्या है F क्या है थीटा क्या है ये चीज़ आपको मैंने समझानी है यहां पर जो हमारे पास ये B है ये दोनों ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उनके दरम्यान में फास्ता है और असल में देखा जाए तो ये इस क्वाल की वेड है ठीक है ऐसे वेट है ठीक है अच्छा और F फोर्स है जो एक ऐसे अपवर्ड लगती है एक ऐसे डाउनवर्ड लगती है ये कैसे लगती ये चीज़ है ये चीज अभी हमने सीखनी है अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ टार कैलकुलेट करने के तरीके ठीक है एक अपवर्ड लगेगी एक ऐसे डाउनवर्ड लगेगी तो टार्क यहाँ पर प्रोड्यूस होगा सही है और जो एंगल थीटा है ना ये बड़े ध्यान से बात सुन लो ये बात समझने वाली है थीटा और अल्फा में जो फर्क है ना अब आपको बताऊंगा मैं ये जो थीटा है ना थीटा ये थीटा असल में मैग्नेटिक फील्ड है ये देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां से यूँ जा रही है ना ये मैग्नेटिक फील्ड यूं तो मैंने यहां पर ये ब्लू कलर से शो किए ये ए से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ये बी के डायरेक्शन ऐसे और ये जो वेक्टर एरिया है ना इसका वैक्टर एरिया भाई यहां से अगर मैं दिखा सकूँ तो ऐसे यहां से यू परपेंडिकुलर या होता है दिस इज अ वैक्टर एरिया तो ये जो आप टार्क करने का पहला कैलकुलेट करने का पहला तरीका ना इसमें जो आप टार्क कैलकुलेट करते हो उसमें एंगल आप कौन सा लेते हो ये वैक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड को लेते हो ये यहां पर वेक्टर एरिया ए स्क्वायर का ये वाला और मैग्नेटिक फील्ड जो इधर को जा रही है इन दोनों के दरमियान थीटा लेते हुए आपने यहां पर टार्क को कैलकुलेट किया या टोटल कह लें कपल को कैलकुलेट किया अब जो दूसरा मेथड है ना आपके पास उसमें आपने वेक्टर एरिया की बात नहीं करनी बल्कि प्लेन ऑफ एरिया की बात करनी वो भी मैं आपको समझाऊंगा अभी ठीक है ओके जी तो ये एक चीज आपने सीख ली ये पहला तरीका आपके पास एफ बी साइन ऑफ थीटा अच्छा अब इस तरीके मुताबिक अगर देखा जाए जरा बात गौर से सुनिएगा यहाँ पर जो है वो इस सिचुएशन के मुताबिक आप देख सकते हैं थीटा आपके पास नाइन्टी डिग्री है मान लीजिए थीटा नाइन्टी पे होगा तो वन आ गया ये गया और बी और एफ दो चीज़ें आ गई एफ फोर्स आ गई और बी क्या है बी हमारे पास इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान में फासला है ये ये फासला क्या है बी तो बी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और इस वाले लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमिया में परपेंडिकुलर फासला ठीक है तो टार्क का फॉर्मूला यहां से में में मिला भी सिंगल फोर्स एफ ये वाली और ये वाली दोनों बराबर है कोई एक ले लें एफ सिंगल फोर्स आ गई और साथ में क्या आएगा जी बी बी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस ठीक है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के दरम्या में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओके okay हो गया तो ये आपने ले लिया ये हमारे पास एक टॉक जनरल सा फॉर्मूला आ गया ओके अच्छा अब ये एक जो है वो हमने तरीका सीख लिया जिसमें हमने एंगल वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के मुताबिक लिया अब हम दूसरा तरीका देखते हैं दूसरे तरीके में ये डायग्राम हमने बनाई ठीक है यहां से ये फोर्स नीचे को एक्ट हो रही है फोर्स ऊपर को एक्ट हो रही है अब ये क्वाइल स्ट्रेट की बजाय कुछ ऐसे एंगल पर आई हुई शूँ ठीक है ऐसे हम शो कर देते हैं अच्छा अब हमने क्या करना है वैक्टर एरिया की बात नहीं करनी प्लेन ऑफ एरिया की बात करनी है ये देखो ये जो प्लेन ऑफ एरिया ए है ना ये भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल बना रहा है एल्फा ठीक है ये प्लेन ऑफ एरिया ए ये जो क्वाइल का प्लेन है ना प्लेन ये प्लेन ऐसे ये इसके साथ एक एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसे एक एंगल बना रहा है एल्फा ठीक है अब आपने इस एल्फा के मुताबिक इसका जो है वो वो कैलकुलेट करना है टोटल टो, टार्क ठीक है ये दूसरा मेथड है हमारे पास अच्छा जी तो कैसे करेंगे हमें पता है भाई सिंगल फोर्स आती है और साथ में क्या मल्टीप्लाई होता है पर पेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेज एक ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है फोर्स, ये फोर्स उनके में फासला है ये वाला ये ब्लू कलर से मैंने जो शो किया है इसको मल्टीप्लाई कर देना किसी भी एक फोर्स से अब ये लेंथ कितनी है उसको कैलकुलेट करना है तो देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है ये यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ कितनी है बी है तो ये क्या बनेगा उसका एक कंपोनेंट बी साइन बी साइन अल्फा और जो नीचे वाला बनेगा ये बनेगा बी कॉज अल्फा तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या है बी कॉज अल्फा तो आपने यहाँ पर लिख देना टार्क इज इक्वल तो टू सिंगल फोर्स उसकी जगह पे एफ आ गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वो क्या बनता हमारे पास बी कॉज अल्फा तो ये बच्चों दूसरा फार्मूला आ गया उम्मीद आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा वैसे ये बहुत ही सिंपल और आसान सा कंसेप्ट है टार का क्लास नाइन्थ की कंसेप्ट है ये आपको आने चाहिए इस लेवल पर ठीक है तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला टारू एफ बी कॉज ऑफ एल्फा और ये दूसरा है हमारे पास इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा ठीक है थीटा हमारे पास एंगल है बिटवीन द वेक्टर एरिया ए एंड मैग्नेटिक फील्ड बी और यहां पर एल्फा जो है वो हमारे पास एंगल है प्लेन ऑफ एरिया ए एंड मैग्नेटिक फील्ड बी के दरम्यान में समझ गए ये दोनों पॉइंट्स ओके मैंने यहां साथ में मेंशन भी कर दिए तो ये आपको याद होनी चाहिए ठीक है अब हम आते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल की तरफ बच्चों बहुत ही आसान और मजेदार टॉपिक है ये ठीक है देखिए आपने यह सीखा था कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया था और उसको उसमें से करंट पास कराया था और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा था और हमने एक्सपीरियंस किया कि उसके ऊपर एक फोर्स हुई थी पता है क्यों फोर्स हुई थी क्योंकि एक जो करंट कंडक्टर से पास करता ना उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है एक वो करंट कैरिंग कनेक्टर की मैग्नेटिक फील्ड थी और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने इसको प्रोवाइड की थी वो दोनों फील्ड जब आपस में इंट्रैक्ट करती है ना तो इनके इंट्रेक्शन के नतीजे में फोर्स बनती है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से इंट्रैक्ट करती है मिलती है तो मैग्नेटिक फोर्स बनती है इस वजह से उस करंट कैरिंग कनेक्टर के ऊपर फोर्स अप्लाई होती थी जब उसमें करंट नहीं होता था फोर्स नहीं अप्लाई होती थी जब उसमें करंट होता था तो फोर्स अप्लाई होती थी ठीक है ना अच्छा तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए राइट अच्छा इसके अलावा हमने वहां पर यह भी सीखा था कि ये जो कंडक्टर है ना करंट कैरिंग कंडक्टर अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हुआ तो कोई फोर्स एक्ट नहीं होने वाली और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हुआ तो मैक्सिमम फोर्स उसके ऊपर एक्ट होगी ये पॉइंट्स आपको याद होंगे ठीक है ना इनको इस्तेमाल करते हुए हमने इस टॉपिक को कंप्लीट करना है अब जी ये आगे जी हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ पोल गए मैग्नेट्स के और इसके दरमान में मान लीजिए हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आ गई और यहाँ पर हमने एक क्वाइल रखी क्वाल कौन सी करंट कैरिंग क्वाल करंट कैरिंग क्वाल हमारे पास ऐसी क्वाल होती है जिसमें से करंट पास कर रहा होता है ठीक है तो कॉयल की बजाय अभी हम पहले इसको सीखेंगे एक सिंगल लूप के साथ उसके बाद फिर हम क्वाइल की बात करेंगे ठीक है ना ये आपने एक कनेक्टर की एक रेक्टेंगुलर लूप बना दी ये एक लूप है और बहुत सारे ऐसे उसके बल्ब बनाते जाएंगे तो वो क्वाइल बन जाएगी लेकिन पहले हम क्या करें जी एक सिंगल लूप ले रहे हैं सिंगल लूप के साथ उसको समझ के फिर हम उसके जो है वो अन नंबर ऑफ टर्न्स की तरफ जाएंगे ठीक है जी ये हमारे पास आगे जी एक लूप आ गई है करंट कैरिंग लूप कह लें या आप कॉइल भी कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं ठीक है इसको नाम दे दें ए बी सी और ये डी ऐसे आपने नाम दे दिए ठीक है और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है अब हमने जो सीखा था ना वो स्टेट कंडक्टर में सीखा था तो ये तो हमारे पास एक लूप बनी है रेक्टेंगुलर तो कोई बात नहीं हम इसकी जो है वो लूप को ना चार टुकड़ों में जो है वो तोड़ देते हैं ये ए बी आ गया ये सी डी आ गया ये बी सी आ गया और ये आ गया हमारे पास ए डी और अलग अलग इन टुकड़ों के अलांग जो है वो फोर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है अब आपको मैं बता चुका हूं कि ये जो ए बी है और ये जो सी डी है ये दोनों पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है और इनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो जीरो होगी ठीक है बात समझ गए इनके ऊपर फोर्स कोई भी अप्लाई नहीं होगी ठीक है और जो ये ए डी है और ये जो बी सी है ये दोनों परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है और इनके ऊपर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगी ठीक है ये चीज मैंने आपको समझाई थी ठीक है ना अच्छा अब हम देखते हैं ये हमने ऐसा कर लिया इसको लूप को चार टुकड़ों में काट लिया अब हमें पता है कि ये जो ए बी वाली साइड है और ये जो सी डी वाली साइड है ये इन पे एफ थ्री और एफ फोर फोर्स एक्ट कर रही है वो दोनों की दोनों जीरो हैं क्यों क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हैं फिर बचते हैं हमारे पास ये हमारे पास ये ए डी और बी सी इन दोनों के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी उसका मैग्नीट्यूड कितना का वो तो अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे पहले मैं आपको जनरल सा कंसेप्ट दे रहा हूँ ना वो जरा सुन लीजिए फोर्स अप्लाई होगी इस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी उस डायरेक्शन को जानने के लिए पहले करंट की डायरेक्शन देखिए हमने मान लीजिए कि यहाँ पर जो है वो इधर ये पॉजिटिव साइड कनेक्ट की हुई है इधर नेगेटिव साइड कनेक्ट की हुई है तो यहाँ से कन्वेंशनल करंट इसमें जा रहा है फिर यहां से यू होता है फिर यहाँ से ऊपर से ऐसे नीचे आता है ठीक है तो ये जो हमारे हमारे पास साइड है ना ये बी सी इसमें करंट यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर फोर्स जो एक्ट होगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी पहले वो जरा जान लीजिए अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपके पास ये जो अपना हाथ है उसको इस तरह से आप स्ट्रेच करें ठीक है ये वाली जो फिंगर है ठीक है ये इसको शो करती है करंट की डायरेक्शन को ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को और ये जो है ये हमारे पास फोर्स को शो कर रही होती है तो आपने क्या करना है जी ये देखिए करंट ऊपर को जा रहा है इस फिंगर को मैंने ऐसे ऊपर को कर दिया मैग्नेटिक फील्ड उधर को है मैंने उधर कर दी तो जो फोर्स है वो ऐसे इन टू द प्लेन ये देखे बोर्ड में इंटर हो रही है इन टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड तो यहाँ पर इसलिए मैंने ऐसे क्रॉस जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स ऐसे इसमें इंटर हो रही है इस तरह से ठीक है और ओके फिर यहां पर तो फोर्स नहीं है यहां से करंट जब यूं आता है तो ये भी हमारे पास एक कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ पर है इसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई होगी उस फोर्स की डायरेक्शन की किधर होगी अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप क्या करेंगे इसको अरेंज करेंग करें ऐसे फिंगर्स को ठीक है अब जरा देखिए ये जो है वो करंट uh, ऊपर से नीचे को आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड उधर को जा रही है फोर्स ऐसे आउटवर्ड आ रही है आउट ऑफ द प्लेन तो आउट ऑफ द प्लेन को हम ऐसे डार्स से शो करते हैं तो यहाँ से फोर्स ऐसे आउट आती है और यहाँ से फोर्स जो है वो ऐसे इसमें एंटर होती है ठीक है तो आपके पास जो है ना अगर मैं दिखा सकूँ तो ये क्वाइल का आप एक ये वाला फेस देख रहे हैं ये इसमें यहाँ पर फोर्स जो है वो यहाँ से ऐसे लग रही है इस तरह से और यहाँ से फोर्स ऐसे बाहर को आ रही है मेरी बात समझ गए अब इसका जो दूसरा एंगल है देखने का वो एक ही है मैं यू की बजाय ना इसको यू दिखा देता हूँ ऐसे तो यहाँ से फोर्स ऐसे डाउनवर्ड और इधर से फोर्स जो है वो ऐसे अपवर्ड है ठीक है और इस क्वाइल का जो ये सेंट्रल रीजन है यहाँ से ये एक्सिस ये यहाँ से फिक्स होती है ये देखें ये एक एक्सिस है इसके अलावा ये क्वाइल घूमेगी अब देखो जी एक फोर्स इसके ऊपर अपवर्ड लग रही है दूसरी फोर्स इसके ऊपर डाउनवर्ड लग रही है अब कोई भी बॉडी अगर ऐसे है ना यहाँ से ऐसे मैंने फिक्स रखी है किस तरह से ठीक है और इसके इस एंड पे मैं अपवर्ड फोर्स लगाऊं इधर मैं डाउनवर्ड फोर्स लगाऊं तो ये क्या करेगी ऐसे ये टर्न कर, कर देगी ऐसे घूमने शुरू कर देगी मेरी बात समझियो तो इसमें क्या प्रोडूस होगा टार्क प्रोड्यूस होगा ठीक है तो एक टार्क ऊपर प्रोड्यूस होगा यहां पर एक टार्क यहां पर प्रोड्यूस होगा दोनों मिलकर क्या हमारे बनाएंगे हमारे पास कपल बनाएंगे ठीक है अच्छा तो इस वजह से ये क्वाइल जो है ऐसे घूमेगी तो हमने यही तो सीखना था कि किस तरह से जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस होता है करंट कैरिंग क्वाइल के अंदर ठीक है वो आपको मैंने बता दिया भाई दो साइड जो ये पैरल हैं उनमें तो फोर्स एक्ट होती नहीं है फिर जो दो साइड ये बचती हैं इनके ऊपर फोर्स एक्ट होती है एक के ऊपर फोर्स अपवर्ड होगी एक के ऊपर फोर्स डाउनवर्ड होगी तो ये हमारा ये ऑफ रोटेशन है वहां से क्वाइल फिक्स होती है मूव नहीं कर सकती जब इसके ऊपर ऐसी अपवर्ड फोर्स लगेगी इधर से डाउनवर्ड लगेगी तो ये ऐसे घूमने शुरू कर देगी इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा तो इस तरह से करंट कैरिंग क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड में टार्क एक्सपीरियंस करती है ठीक है अब हम उसको जो है वो देखते हैं कि कैसे हम इसको पेपर में लिखेंगे मैंने आपको मेन आइडिया बता दिया कंसीडर आ क्वायल कैरिंग करंट आई इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ठीक है एक क्वाइल ले लें अच्छा है अगर आप लिखे रेक्टेंगुलर क्वाइल ले लें आप ले ठीक ले है और उसमें से करंट जो है वो आई पास कर रहा है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है वी नो डैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स एफ बी गिवन बाय दिस फार्मूला हम जानते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है ठीक है जो फोर्स जो है इस फार्मूले से दी जा सकती है ठीक है एफ फिजिकल्स टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा ठीक है ना अच्छा अब हम देखते हैं जी इसके ऊपर किस तरह से फोर्स एक्ट होती है कहाँ पे फोर्स जीरो है कहाँ पे फोर्स मैक्सिमम है मैथमेटिकली वो बातें हम प्रूव करके देखेंगे ठीक है उन फोर्स के मैग्नीट्यूड को भी कैलकुलेट करेंगे तो हमने क्या किया जी इसको चार पार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अलग अलग इनके ऊपर जो तो है वो फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं ठीक है थीके? अब ये मैंने बताया आपको ये ए बी और सी डी दोनों जो है वो हमारे पास इन पे एफ थ्री एफ फोर्स एक्ट कर रही है ठीक है और ये दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरल हैं तो यहाँ पर एंगल थीटा जीरो होगा और यहाँ पर क्या होगा जी हमारे पास फोर्स जीरो होगी कैसे ज़रा देख लीजिए ओके इन अ लूप देर आर फोर पार्ट्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए फोर पार्ट्स में डिवाइड कर लिया फोर्स ऑन ए बी एंड सी डी इज जीरो ए बी और सी डी के ऊपर फोर्स जीरो होगी ए बी और सी डी के ऊपर फोर्स जीरो होगी क्यों ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है पैरल है ठीक है बिकॉज दीज लेंस आर पैरल टू द मैग्नेटिक फील्ड ओके तो पैरल में एंगल थीटा क्या होता है जीरो तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला फोर्स क्योंकि दोनों भी फोर्स जीरो हो गए मैंने इकट्ठा लिख दिया आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं एफ थ्री इज एक टू एफ फोर इज इकल टू आई I, करंट I की जगह आ गया अब लेंथ देखो इसकी लेंथ कितनी है ये लेंथ को मैंने b से इंडिकेट किया ठीक है तो यहां पर लेंथ की जगह पर क्या आएगा स्मॉल बी ये कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है साइन उसी तरह से आया एंगल थीटा कितना है जीरो पैरल ठीक है तो साइन जीरो पे क्या होता है जीरो जीरो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे का पूरा जीरो मिल जाएगा तो यहां पर एफ थ्री और ये एफ फोर दोनों की दोनों फोर्सेस क्या जी जीरो होती है ठीक है ओके फोर्स ऑन द बी सी एंड ए डी इज मैक्सिमम जो बी जब बी सी के ऊपर और ए डी के ऊपर फोर्स लगती है वो मैक्सिमम फोर्स होती है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दीज लेंस ठीक है ना मैं बता चुका हूँ ये हमारे पास ए डी है ये हमारे पास बी सी है दोनों फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है इनके ऊपर फोर्स मैक्सिमम एक्ट होती है ठीक है बात समझ आ गई ओके अच्छा जी तो अब उन दोनों को वो दोनों के मैग्नीट्यूड भी हमारे पास इक्वल होते हैं पता है क्यों इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड ज़रा देखो ये बी सी और ये ए बी इनकी लेंथ कितनी है दोनों की इक्वल देख सकते हैं बी सी और ए डी दोनों की लेंथ कितनी है ए के बराबर अच्छा करंट कितना कितना पास करे जो करंट आई यहाँ से गुजरा वही करंट आई यहाँ से आया करंट की वैल्यू भी सेम है हमारे पास ठीक है ये जिस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है ये भी उसी उसी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है तो वो भी सेम होगी तो इसलिए हमारे पास जो दोनों तरफ फोर्स आती है उनके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं सेम होते हैं ठीक है दैट्स वाई अब यहाँ पर लिख सकते हैं भाई एफ वन इज इक्वल टू एफ टू ठीक है और वो किसके इक्वल आएगा जी हमारे पास आई की जगह करंट आ गया अब फिर आता है लेंथ अब ये इस बी सी की लेंथ कितनी है ए के बराबर ए डी की लेंथ कितनी वो भी ए के बराबर है तो लेंथ की जगह पर स्मॉल ए आ जाएगा ठीक है और मैग्नेटिक फील्ड बी की जगह पर यहाँ पर बी आ जाएगा ठीक है साइन उसी तरह से हाँ। एंगल कितना परपेंडिकुलर होने की वजह से एंगल आ जाएगा नाइन्टी ठीक है साइन नाइनटी पे होता है वन तो ये आप हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स आएगी आई बी इंटू ए ठीक है एफ वन की वैल्यू भी यही आएगी आई बी इंटू ए एफ टू की वैल्यू भी यही आएगी आई बी इंटू ए तो दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है बराबर आ गई है ठीक है अब आपने देखा ये दोनों फोर्सेज जो है वो क्या कर रही हैं बिल्कुल हमारे पास टार्क प्रोड्यूस करती हैं ये भी टार्क प्रोड्यूस करती है ये भी टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये भी क्लॉक वाइज टार्क प्रोड्यूस करती है ये भी क्लॉक वाइज टार्क जो है वो प्रोड्यूस करती है बात समझ गए अच्छा तो टार्क ड्यू टू तो द फोर्स एफ वन इसकी वजह से क्या टार्क होगा टार्क का फॉर्मूला क्या था भाई हमारे पास ये जो मूवमेंट आर्म होता है उसको फोर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ अब यहाँ पर मूवमेंट आर्म क्या है ये है ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहाँ पर फोर्स लग रही है ये वाला पॉइंट है ठीक है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो बी बाई टू लेंथ है टोटल लेंथ बी थी यहाँ से यहाँ तक क्या है बी बाई टू तो मूवमेंट आर्म बनता है बी बाई टू ठीक है फोर्स लगी इसके ऊपर मान लीजिए एफ वन और साइन ऑफ थीटा थीटा कितना है 90 डिग्री इस केस के अंदर इस सिचुएशन के अंदर ठीक है तो अगर ये हमारे पास बी बाई टू इंटू एफ ठीक है बात समझ आ गई और मैं आपको पहले भी बताया था कि एंगल थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बी और वेक्टर एरिया के के बराबर है ठीक है अब जब ये हमारे पास क्वाइल इस कंडीशन में ना ऐसे आई है ये। अब ये देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड तो इधर से यू जा रही है ऐसे बल्कि मैं इसको यूज शो करता हूँ ये ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड इधर को है ठीक है और जो हमारे पास वेक्टर एरिया है क्टर एरिया उसके साथ क्वाल के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर होता है तो आप देख सकते हैं कि इनका एंगल क्या बनेगा नाइन्टी डिग्री ठीक है मैग्नेटिक फील्ड भी इधर को और वैक्टर एरिया ए ऐसे तो नाइन्टी डिग्री का एंगल बनेगा ठीक है ओके जी तो ये आ जाएगा जी बी बाय टू और साथ में एफ वन एफ टू की जगह मैंने सिर्फ एफ एफ लिखा क्योंकि एफ वन और एफ टू दोनों बराबर हैं और वो एफ के इक्वल होती हैं ठीक है टॉर्क भी टू भी इसी तरह से आएगा ड्यू टू फोर्स बी बाई टू इंटू एफ टू साइन ऑफ नाइनटी तो बी बाई टू साथ में क्या आएगा एफ आएगा ठीक है साथ में लाजमी मेंशन करना है कि एफ वन एफ टू दोनों बराबर है उनको दोनों की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं एफ लिख रहे हैं सही है बच्चों ओके तो ये दोनों के आपने टॉर्क कैलकुलेट कर लिया अब आपने आ, कपल जो है वो यहां पे मालूम करना, करना है यह टोटल टार्क क्या वो हमने मालूम करना है ठीक है और ये भी बता दूं ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टार्क होती है ठीक है ओके जी सो द टू फोर्सिस एफ टू एन एफ वन विल कपल वो कपल किसके बराबर होगा टॉर्क वन प्लस टॉक टू दोनों की वैल्यू स्टॉक वन किसके बराबर है ये लिखा हुआ हमने जी अब बी बाई टू एफ के बराबर ये कितना है बी बाई टू एफ के बराबर ऐड कर लो दोनों को ये एफ एफ कॉमन चला जाएगा बी बाई टू प्लस बी बाई टू हमारे पास बी के इक्वल होता है तो बी इंटू एफ ये आगे उसकी मैक्सिमम वैल्यू सही है अब एफ क्या है वो फोर्स है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना था ये यहां पर हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है आई बी इंटू ए ठीक है तो यहां पर लिख लेते हैं जी फोर्स की जगह पर आई ए इंटू बी लिखा हुआ है सही है अब देखिए तरतीब से लिखें आई इसी तरह से आ गया ये मैग्नेटिक फील्ड बी इस तरह से आ गया ये स्माल ए और ये ये स्माल बी स्माल ए और स्माल बी को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास एरिया बनता है ये देखो ये लेंथ लेंथ तो विर्थ है क्या है A, विर्थ क्या है क्या क्या स्माल ए स्माल बी तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मिल जाएगा हमें ठीक है तो इसकी जगह पर आ जाएगा हमारे पास आई बी ए अब ये एक लूप की वजह से जो टोल टार्क हमने एक्सपीरियंस किया ठीक है ये वो आ गया लेकिन अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ़ अगर लूप्स हों तो एन से उसको मल्टीप्लाई करेंगे एन आई बी ए ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू फॉर एन नंबर ऑफ़ लूप्स ठीक है और यहाँ पर मैंने लिखा भी है साथ में दिस इज़ द मैक्सिमम कंडीशन फॉर द टॉक थीटा इज इक्वल टू नैन जब होता है लेकिन हमेशा थीटा नाइन्टी तो नहीं होगा थीटा की वैल्यू कम भी हो सकती है ठीक है तो अगर थीटा की वैल्यू लेस देन नाइन्टी होगी तो फिर आपके पास क्या सिचुएशन होगी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यूँ जा रही है अब ये वाल टर्न करके जो है ना वो यूँ आ चुकी है अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है ये बी ब्लू कलर से और वैक्टर एरिया इधर है ये ए ठीक है इन दोनों के दरम्यान में एंगल कितना है जी हमने थीटा रखा है थीटा इज द एंगल बिटवीन वैक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड ठीक है जी आ गया अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे पास डायग्राम किस तरह से बनी है ये देखो यहाँ पर फोर्स हमने ऐसे लगाई ये आ गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहां पर फोर्स ऐसे लगी ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ठीक है अब जब टार्क निकालते हो ना टार्क टार्क क्या होता है मोमेंट आर्म इंटू क्या होता है फोर्स होता है ठीक है अब इसका मोमेंट आर्म हमने निकाला है तो देखो बच्चो एक ये वैक्टर है ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का एक ये वेक्टर एरिया ये इन दोनों के दरम्यान में एंगल क्या है थीटा और याद रहे ये कंसेप्ट मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है अगर दो लाइंस के दरमियान में एंगल थीटा होगा तो उन लाइंस के परपेंडिकुलर्स ड्रा करो उनके दरम्यान में भी एंगल कितना होगा थीटा ही होगा कैसे मैं, मैं बताता हूँ देखो ज़रा अब ये पहली लाइन आ गई ना ये ब्लू कलर की ये इसका परपेंडिकुलर ये आ गया ठीक है ये दूसरी लाइन आ गई हमारे पास ये रेड कलर की इसका परपेंडिकुलर ये आ गया तो ये वाला और ये वाला दोनों पर पेंडिकुलर है एक इसका और एक इसका तो जो एंगल इनके दरमियान में वही एंगल यहां पर इनके दरमियान में बनेगा थीटा ठीक है इसी तरह से यहाँ पर भी ये एंगल बनेगा थीटा अब देखो जी जरा यहाँ पर अब ये जो हमारे पास ये एक्सदर रोटेशन है और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इनके दरमियान में फासला कितना है ये है एंगल हमारे पास थीटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह पूरी लेंथ है बी के बराबर और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह उसका हाफ है यानी बी बाई टू और बी बाई टू के दो कंपोनेंट है ये बी बाई टू यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैं ये बी बाई टू है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ जाता है हमारे पास बी बाई टू और बी बाई टू के दो कंपोनेंट एक ये वाला

इसी तरह से यहाँ पर बी बाई टू एफ साइन ऑफ थीटा दोनों को आपने ऐड करना है कैसे ऐड करेंगे फोर्स और एफ साइन थीटा पूरा हम बाहर निकालेंगे कॉमन बी बाई टू प्लस बी बाई टू क्या बनता है बी ठीक है तो बी एफ साइन ऑफ थीटा एफ की वैल्यू अभी भी हमने कैलकुलेट करके यहाँ पर रखी थी एफ इज इक्वल टू आई बी ए आ गया ठीक है तो यहाँ पर उसकी जगह वैल्यू पुट करो आई बी ए और बी साइन थीटा अब स्मॉल ए और स्मॉल बी मैं पहले भी बता चुका हूँ स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी हमारे पास ये लेंथ इंटू विथ बनता है ये लेंथ और ये विर्थ एरिया बनेगा इसका ठीक है यहाँ पर उसी जगह पर आ जाएगा हमारे पास एरिया ए तो आई बी ए साइन ऑफ थीटा ये हमारे पास उसका आंसर आ गया लेकिन अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ़ लूप्स होंगी तो साथ में एन मल्टीप्लाई कर देंगे एन आई बी ए साइन थीटा यहाँ तक हमारा पहला कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हुआ ठीक है बच्चों सो कपल इज इक्वल टू एन आई बी ए साइन ऑफ थीटा फॉर एन नंबर ऑफ टर्म्स ओके अब उसके बाद जो दूसरा मेथड है ठीक है जिसमें ये कॉज अल्फा आता उसकी तरफ आ जाइए ठीक है वो बच्चों मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पर सिखाई हुई है अब ये भी स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई थी मैंने कि टाक के दो फार्मूले हैं टॉक इज इक्वल टू बी एफ साइन थीटा भी होता है और टॉक इज इक्वल टू बी एफ कॉज एल्फा भी होता है फ़र्क क्या है कि पहले हम टाक कैलकुलेट करते थे एंगल थीटा के साथ जो कि वैक्टर एरिया ए और मैग्नेटिक फील्ड के साथ था अब जो हम टाक कैलकुलेट करेंगे वो प्लेन ऑफ एरिया ए और मैग्नेटिक फील्ड बी के दरमियान में होगा सही है ओके तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास वो आ, हमारे पास ये आगे जी क्वाइल उसका ये इस तरह से एक एंगल बन रही है ठीक है मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इस तरह से है ये हॉरिजॉन्टल और ये इसका आगे जी ये क्वाइल का आ गया ठीक है इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बनता है वो थीटा बनता है यानी प्लेन ऑफ द क्वाइल और हमारे पास जो ये मैग्नेटिक फील्ड है उसके दरम्यान में एक एंगल सपोज कर लीजिए वो एंगल कितना है एल्फा एंगल है ठीक है अच्छा वो एंगल आ गया हमारे पास अल्फा ठीक है अच्छा अब यहाँ से हमने इसका जो है वो टार्क को कैलकुलेट करना है और टार्क का फार्मूला क्या है यहाँ पर मैंने एक जनरल सी स्टेटमेंट लिखी है अभी सिंगल फोर्स जो दोनों फोर्सेज एक्ट हो रही है ना उनमें से सिंगल फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स ठीक है वैसे तो टॉर्क दो फोर्स से बनता है एक इधर लगाओ एक इधर लगाओ दोनों बराबर होंगी अनलाइक पैरेलल होंगी और वो टॉर्क को प्रोड्यूस करेंगी ठीक है तो इसको जब आपने कैलकुलेट करना है तो इन दोनों में से कोई एक फोर्स ले लेंगे सिंगल फोर्स ले लेंगे और इसके लाइन ऑफ एक्शन और इसके लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान में जो है वो आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ले रहे हैं ठीक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यहाँ पर देख लीजिए एक ये फोर्स एक्ट हो रही है एक ये फोर्स एक्ट हो रही है ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ये इसका लाइन ऑफ एक्शन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आता है वो हमारे पास क्या आता है बी कॉज ऑफ अल्फा मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ समझाई भी है सिंपली आप क्या करेंगे बी को दो कंपोनेंट में ब्रेक करो ये वाला कंपोनेंट जो है वो बी साइन अल्फा बन जाएगा ये वाला बी कॉज अल्फा बन जाएगा ठीक है तो अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आ रहा है वो बी कॉज अल्फा आ रहा है और सिंगल फोर्स इनमें से कोई भी ले लो एफ एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ आ रहेगा सो टार्क इज इक्वल टू एफ इंटू बी कॉज अल्फा ये फोर्स आ गई सिंगल फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स बाई डेफिनेशन ऑफ टॉर्क ठीक है ये आ गया ओके okay, तो अब फोर्स किसके इक्वल है अभी अभी आपको मैंने यहाँ पर बताया था जी फोर्स हमारी आई बी ए के इक्वल है तो यहाँ पर आई बी ए लिख दीजिए ये स्माल ए और स्मॉल बी मल्टीप्लाई हो कि हमारे पास इसका एरिया बन जाएगा लेंथ इनटू विड्थ विथ के मुताबिक तो आई बी ए कॉज अल्फा ये एक लूप के लिए का गया अब अगर आपके पास एन नंबर ऑफ़ लूप्स हैं तो एन से मल्टीप्लाई कर लीजिए एन आई बी ए कॉज ऑफ़ अल्फा तो मेरे बच्चों ये हमारा दूसरा फॉर्मूला भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया तो टार्क इज एन आई बी ए कॉज अल्फा भी होता है टार्क इक्वल टू एन आई बी ए साइन थीटा भी होता है ठीक है ये टार कैलकुलेट करने का एक मैथड था यह उसका दूसरा मैथड था ये आप जो एंगल अल्फा लेते हैं ये अल्फा किसके के दरमियान में है? प्लेन ऑफ द क्वाइल और मैग्नेटिक फील के दरम्याण में एंगल है उस तरह भी टारक को कैलकुलेट कर सकते हैं या ये जो एंगल थीटा है ठीक है ये वैक्टर एरिया ऑफ द कॉयल और मैग्नेटिक फील्ड के दरम्याण में एंगल है उससे भी आप टार्क को कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये था हमारा आज का एक्चर उम्मीदा आपको समझ आई होगी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कॉमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं अल्लाह हाफिज़